साथ आई नजर डालते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। ग्राम पंचायत मलगांव में लगभग 12 वर्षों से महिला का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से हो रही थी समस्या। ग्राम पंचायत में पहुंच अभियान के दौरान शिविर में महिला का प्रशासनिक अधिकारियों ने जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया की प्रारंभ। बड़वानी जिले के कलेक्टर नवाचार द्वारा विभिन्न स्थानों पर पहुंच अभियान के दौरान शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं। उसी के तहत ग्राम पंचायत मलगांव में शिविर लगाया गया। शिविर का आयोजन शुक्रवार को जालियापानी में किया जाना था, लेकिन वहां पर आधार कार्ड समग्र आईडी सहित अन्य कार्यों हेतु नेटवर्क नहीं होने से शिविर आज ग्राम पंचायत मलगांव में लगाया गया। शिविर में एक महिला का जाति प्रमाण पत्र पिछले 12 वर्षों से नहीं बना था, जिसके कारण महिला को शासकीय योजना व अन्य कार्यों में समस्या हो रही। महिला द्वारा पानसेमल तहसीलदार राकेश सस्तिया को समस्या से अवगत करवाया गया, जिसके बाद तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कराई। आज शिविर के आयोजन में ग्रामवासियों को लाने ले जाने हेतु स्थानीय स्तर पर वाहन की व्यवस्था भी कराई गई। एक महिला को शासकीय वाहन से भी लाया गया। इस दौरान अतिरिक्त तहसीलदार हुकुम सिंह निगवाल, सुनील सिसोदिया एवं अन्य विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। पान सेमल बड़वानी से दिनेश ब्राह्मण की रिपोर्ट। आपका राजकुमार चौहान, कहाँ रहते हो? मलगांव। आज ये महिला है, इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था, तो क्या समस्या थी इनके साथ? इनके साथ जाति नहीं बननी थी, इसलिए अब ये शिविर लगी है। ये शिविर में बिना पैसा बिना खर्चा का काम होता है, इसलिए हमने जाति, इनका परिवार में 4 बच्चे है और पति को 12 साल हो गए मरने को, तो उसको आगे लेके चलने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो जाति बनाने की जानकारी दी और यहाँ पे शिविर लगी है। तहसीलदार साहब से मिले, बोले तत्काल जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, बोले इसलिए हमने यह आवेदन दिया है। कितने समय से बनानी था ये? कम से कम 12 साल के लगभग हो गए, इनका काम नहीं हो रहा। अभी ये सब अलग अलग रह रहे, तो फिर अभी सब वजह उसके ऊपर है और उसको कूपन राशन वो राशन कार्ड पे जो मिलता था राशन, वो भी नहीं मिल रहा अभी उनके पास, तो उसके लिए वो जाति की जरूरत पड़ी, तो इसलिए शिविर में हमने दिया और तहसीलदार साहब ने बोले, इसलिए हमने जाति का आवेदन लगाया, तत्काल बन जाएगा बोले, इसलिए हमने दे दिया। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार शिविर का आयोजन कल जालियापानी में किया गया था। वहाँ के नेटवर्क नहीं मिलने के कारण हितग्राहियों को कल चिन्हित करके और उनका ऑफलाइन आवेदन करवा के और आज उनकी सहायता के लिए उनके आवेदनों के निराकरण हेतु मलगांव में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें अभी तक 121 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 70 का निराकरण मौके पर किया जा चुका है। वर्तमान में कार्य प्रगति पे है और निरंतर निराकरण और दर्ज प्रकरण चल रहा है। सर, आम लोगों में उत्साह है शिविर में आने के? जी, कलेक्टर महोदय के दिमाग की उपज काफ़ी अच्छी है, पहुंच अभियान के रूप में यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी लंबे समय से लोगों के काम नहीं हो रहे थे, किसी का आधार नहीं बनना, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, उन लोगों को यहाँ पर लाभ प्राप्त हो रहा है। अभी हमने यहाँ पर 3 जाति प्रमाण पत्र जारी किए, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी लोगों के नहीं बने थे, किंतु हमारे द्वारा यहीं पर उनको ऑनलाइन करवा के लोक सेवा के माध्यम से और उसकी सेवाएँ प्रदान की गई। सर, ग्रामीणों को लाने ले जाने की भी व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की गई है सर, और कुछ प्रसूति सहायता के लाभान्वितों को भी पहुंचाया गया है शासकीय वाहन से, सर उसमें थोड़ा जाना? एक्चुअली हमारे द्वारा यहाँ पर एक ऑटो हायर किया गया था। जालियापानी चूँकि वन ग्राम है और दुरुस्त गांव है और मलगांव लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी बनती है वहाँ से, वहाँ से लोगों को लिफ्ट करने के लिए हमने एक ऑटो हायर किया गया था और उसी से लोगों को यहाँ पर लाया गया और कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।